महाराज की जय। हरि ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगति स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वंदे भूत भव्यस्मातरम्। हरि 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 सुमरन करो। हरि 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 सुमरन करो। हरि चरणारविंद चित धरो। हरि जूकी कथा भोज नित जहां। गंगा हो चलिया वे तहां। जमुना और सरस्वती आवे गोदावरी विलंब न लावे। सब तीरथ को बासो तहां। सूर हरि कथा होवे जहां। हरि 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 सुमरन करो। हरि चरणारो बिंद चित धरो। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय जय। गोपाल जय जय। गोविंद जय जय। गोपाल जय जय। गोविंद जय जय। गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय। रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय। रघुनाथ जय जय। सीता रमण राम रघुनाथ जय जय। श्री सीता रमण राम रघुनाथ जय जय। भोले की जय जय। शंकर की जय जय। भोले की जय जय। शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। गंगा की जय जय। यमुना की जय जय। गंगा
यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भक्त वत्सल भगवान की जय, गौ माता की जय। ओम नमो गोभ्या श्रीमतीभ्या सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। जय जय गो गोपाल गोप गोपी गोवर्धन, नंद जशोदा माई दाऊ गोकुल वृंदावन, जय कीरति वृषुभान राधिका अष्ट सखीगण, जय जय यमुना पुलिन रास मंडल के मंडन, कामधेनु अभिषेक कर गोविंद पद भूषित किए, गो सेवा आदर सहित नारायण गोविंद भय। गो गोपाल गणेश गुरुदत्त शरण सिरनाय, गाय भक्त माला लिखूं नाभा प्रिया मनाय, भक्त भक्त भगवंत गुरु चार श्रवही पय एक, पय को फल नवनीत सम धेनु भक्ति है एक, हरि भक्ति गो भक्ति में गो भक्ति सविशेष, हरि हु की अति इष्ट गौ सहज द्रवही अखिलेश, श्री दत्त शरण आज्ञा दई गो भक्तन यस गाओ, अभिमत फल दातार गो भवसागर को नाव। श्री गो भक्तमाल कथा के प्रसंग में भगवान शिव की गो भक्ति का वर्णन हुआ, श्री लक्ष्मी जी की गो भक्ति का वर्णन हुआ और आज सुरभि अवतार की कथा हो रही, जिस प्रकार से भगवान के अवतार का प्रयोजन रहस्यमय है, अनेक प्रयोजन है, अनेक राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान के अवतार के अनेक हेतु हैं, उसी प्रकार से सुरभि माता के भी अवतरण के अनेक हेतु हैं, अनेक पुराणों में अनेक तरह की अनेक कथाएं प्राप्त होती हैं। सबसे प्रमुख जो कथा है वो देवी भागवत की है। देवी भागवत में कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को माने दीपावली के दूसरे दिन, सबको पता है दीपावली के दिन सुबह गायों को स्नान आदि कराया जाता है, गायों का पूजन होता है, रात में लक्ष्मी जी का पूजन होता है, दूसरे दिन सुरभि का प्राकट्य हुआ है, इसलिए
गो अवतरण की खुशी में गोवर्धन का पूजन होता है, गोधन बनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में घर घर गोबर से गोवर्धन बनाते हैं, उसमें कुंड बनाते हैं, दूध भरते हैं, गाय बछड़े बनाते हैं, ग्वाल बाल बनाते हैं, घर घर पूजन होता है। और गाय बैल के समान स्वरूप धारण कर नियम लेकर के मौन परमा कहलाती है, वो मौन परमा तो मौन धारण करते हैं, और मौन धारण करके 12 गांवों का चक्कर लगाते हैं, काटते हैं, हाथ में डंडा लिए रहते हैं, डड़ा कहलाते वो डंडा, खैर के मजबूत बढ़िया डंडा बनते हैं, ढोलक मजीरा साथ में रहता है, कमर में जो गायों को पहनाई जाती हैं गलगले वो पहनते हैं, गले में घंटा पहनते हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार देख के आप रह जाएंगे, ऐसा डगडगो काजर लगाएं, बढ़िया टिकली बूंदा लगाएं और आभूषण धारण करेंगे, गोपी और गोपों दोनों का जो बेच बना लेंगे, और गांव गांव में 12 वर्ष का यह व्रत होता है। 12 वर्ष पूरे हो जाने पर गोवर्धन की प्रदक्षिणा नाचते गाते करते हैं और जमुना जी में अपना डड़ाओं को विसर्जित करते हैं। इस प्रकार से सुरभि अवतरण पर बड़ा भारी उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है। तो कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार वयो, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को ब्रज में सुरभि का अवतार हुआ। वृंदावन में कृष्ण क्षीर अभिलाषा कीने, गोलोक धाम से पधार कर प्रिया प्रीतम जी वृंदावन आ गए, और वृंदावन आकर के भगवान श्री कृष्ण ने अभिलाषा की कि हमको पीने को दूध दिया जाए। वृंदावन में कृष्ण क्षीर अभिलाषा कीने, प्रगति सुरभि संग मनोरथ बत्सई लेने। भगवान के अंग से ही बावांग से सुरभि देवी प्रकट हो गए। और उनके साथ में मनोरथ बत्सा, बछड़े का नाम था मनोरथ। तो प्रगति सुरभि संग मनोरथ बत सहेली ने, श्री दामा ने दोहो दूध गोवंद दीनो। उन गो माता से अनंत गो माताओं का अवतरण हुआ, गोप ग्वालों का अवतरण हुआ। पुनः श्री दामा गोप ने गाय को दूध दुहने के लिए मनोरथ बत्से को छोड़ा, उसने गाय का दूध पिया, और गाय जब पला आई तो श्री दामा ने दोहनी में दूध को दोहा। श्री दामा ने दोहो दूध गोविंद ही दीनो, और दूध दे करके गोविंद भगवान को पीने को दिया। भांड फूट गिरो दूध दूध को सागर कीनो, भगवान के हाथ में से वह भांड फूट गया, और फूट करके उस दुग्ध का सागर, पय सागर, क्षीर सागर बन गया। क्षीर सिंधु महिमा अमित गोलोक ही श्रृंगार भयो, गोलोक के श्रृंगार स्वरूप क्षीर सागर प्रकट हो गया। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो।
दिव्य गोलोक धाम। गोलोक धाम का वर्णन करते हैं जैसा शास्त्रों में वैकुंठ धाम का वर्णन किया गया है, वह त्रिगुणों से रहते हैं भगवान, नाम रूप लीला धाम, भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप, भगवान की लीलाएं और भगवान का धाम, यह सब दिव्य ही होते हैं, सच्चिदानंद घन होते हैं। तो दिव्य गोलोक धाम सचित आनंद रूप, सचित आनंद स्वरूप दिव्य गोलोक धाम है। समताना दूसरी त्रिलोक मह पाई है, 14 भुवनों में उस तरह का दूसरा कोई लोक नहीं होता है, सबसे ऊपर वह गोलोक होता है। काल की ना दाल गले, जरा मरण व्याधि नाहि। उस वैकुंठ में गोलोक में बुढ़ापा नहीं आता, मृत्यु नहीं होती। गोपी ग्वाल राधा कृष्ण लीला सुखदाई है, वहाँ पर दिव्य गायें हैं, गोपियाँ हैं, ग्वाल हैं, श्री राधा कृष्ण भगवान हैं और सदा वहाँ उनकी दिव्य लीलाएँ रास आदि होता रहता है। सब कुछ वहाँ का दिव्य है, बावरियाँ हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं, वन हैं, उपवन हैं, भवन हैं और गायें हैं, बड़े बड़े सींगों वाली गायें हैं, ऐसा वेदों में वर्णन है। बापी सर सरित वन उपवन ग्रह अति विशाल, सुभग सभी सुलभ सभी भोग, भूर श्रृंग गायें गाई है। सभी तरह के भोग सुलभ हैं, बावरी कुआ तालाब नदी वन उपवन और विशाल सिंगों वाली गायें सब वहाँ हैं। लीला सुख हेत ब्रज भूमि में पधारे युगल, लहो सुख रास सुख श्रम भयो प्रभु जनाई है। लीला सुख के लिए भगवान वृंदावन में पधारे, ब्रजभूमि में युगल का अवतरण हुआ और वहाँ यमुना पुलन पर रास हुआ, रास से भगवान स्मृत हो गए। तो स्मृत हो के बैठे हरि, थकित होकर के भगवान बैठ गए। स्मृत हो के बैठे हरि दुग्ध अभिलाषा कीने, तब उन्होंने दूध पीने की अभिलाषा की। स्मृत हो के बैठे हरि दुग्ध अभिलाषा कीने, वाम भाग लीला कर सुर भी प्रगटाई है। भगवान ने लीला लीला में ही वाम भाग से सुरभि को प्रकट किया। संग वत्स मनोरथ सुरभि के प्रकट भयो, श्री दामा पात्र लेके सुरभि जा दुहाई है। साथ में वत्स प्रकट हुआ, मनोरथ वत्स को छोड़ दिया, सुरभि माँ का गौदू ने दूध पीने लगा। श्री दामा ने एक पात्र में दूध को दुहा, पियो श्री कृष्ण पात्र हाथन से छूट गयो। श्री कृष्ण भगवान ने दुग्ध पान किया और पीते पीते उनके हाथ से वह भांड छूट गया। पियो श्री कृष्ण पात्र हाथन से छूट गयो, गिरो दूध फैलो क्षीर सागर छवि छाई है। वह पात्र गिरा तो उसे दूध का समुद्र बन गया, जिसे क्षीर सागर कहते हैं। क्षीर को सरोवर राधा कृष्ण के लिठाम बनो, कृष्ण रोम रोम बहुधेन प्रगटाई है। भगवान के रोम रोम से अनेक गायें प्रकट हो गई। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा कृष्ण गौ की पूजा कीने, गाय के प्रकट होने पर कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा को गाय का पूजन हुआ। गो नवरात्रि गुप्त गोव्रत बतायो है, और गो नवरात्रि का गुप्त गोव्रत का वर्णन किया।
दीपावली लक्ष्मी और गायन की पूजा करें। दीपावली को प्रातः गायों को स्नान कराते हैं और उनका पूजन करते हैं। सायंकाल को रात्रि में गोधूल बेला से ही लक्ष्मी जी का पूजन होता है। दीपावली लक्ष्मी और गायन को पूजा करें। भोर गोवर्धन गो कीड़ोत्सव गायो है और प्रातःकाल गोवर्धन पूजन होता है और सुरभि के प्राकट्य का महोत्सव मनाया जाता है। मौन परमा होती है, उस दिन मौन धारण करके ग्वाल वाल बन के गायों के समान रूप धारण करते हैं। कमर में केवल एक वस्त्र धारण करते हैं, छोटा सा गोछा, और उनमें गलगले पहनते हैं। हाथों पैरों में आभूषण धारण करते हैं, बढ़िया काजल लगाते, टिकली बूंदा लगाते हैं। 12 वर्ष का यह व्रत होता है। मौन धारण करके नाचते गाते गायों जैसे ही उछलते कूदते हैं, बिचकते हैं। साथ में लोग रहते हैं, वो दिवाई गाते हैं जिसमें श्री राधा कृष्ण के ही गीतों को गाया जाता है। और गाने वाले गाते हैं, ढोलक वाला ढोलक बजाता है, मंजीरा वाला मंजीरा बजाता है, और सैकड़ों लोग जो नियम से मौन धारण करके और भार के मोर पंख का मूठा लिए रहते हैं और दोनों डंडे हाथ में लिए रहते हैं और गोल चक्र बना करके उछल कूद करके बड़े ताल स्वर में नाचते हैं। दीपावली लक्ष्मी और गायन को पूजा करें। भोर गोवर्धन को कीड़ोत्सव गायो है। गायन के संग श्रृंगार करें गायन जैसो। गायन के घंटा घुंघरू कटमे छमकायो है। डगडगो काजर आंख अंग अंग साजे साज। लाठी और दंड नाच सेरो दिखलायो है। डंडा लाठी आदि लेकर के सेरो करते हैं। गायन से मौन है कि बारह गांवों की सीमा का जाकर जाकर के और नृत्य करते हुए जाते हैं। गायन से मौन हो के बारह गांव मेड़ो दावे। दूध पीवे नाचे गावे गोसो ढंग छायो है। गाय जैसा ढंग करते हैं। खेलन में खेलन से कूने खेला बैल। बैल बड़े होते हैं, खेला माने अभी जो आगरे खेला है बड़े बछड़े। खेलन से कूने दौरे घोल अक्सर झूम नाचे। मोर पंख संग हले रंग बहुचायो है। सैरे का नृत्य करते हैं। बने कृष्ण ग्वाल वाल ब्रज ही की लीला गावे। होके उन्मत्त नचे अति सुख नाचे अति सुख छायो है। सुरभि अवतार हेत उत्सव अनूठो रचे। मोनिया वो नाच कहूँ डांडिया कहायो है। कहीं मोनिया नाच कहते हैं, कहीं कहीं पर डांडिया नाच कहते हैं। सुरभि गो पूजन की विधि यजुर्वेद कही। षोडशोपचार ध्यान आदि क्रम बतायो है। षोडशोपचार से गाय का पूजन किया जाता है। पीछे स्त्रोत पढ़े मंत्र सर अक्षर जपे 100,000 जप अनुष्ठान विधि गायो है। सुरभि मंत्र का 100,000 जप करने का विधान है। मंत्र सिद्ध कल्प वृक्ष जैसे फलदायी महा। रिद्धि सिद्धि बुद्धि मुक्ति चारों फल पायो है। मंत्र जाप की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। सभी अभिलाषाएं रिद्धि सिद्धि आदि की पूर्ति होती है। लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा सहचरी गाय। कृष्ण प्रिया लोक माता जगेश छायो है। श्री गो माता लक्ष्मी स्वरूपा है, श्री राधा की सहचरी है, कृष्णा प्रिया है, लोक माता है,
बारह कल्प कथा सुरभि अपमान कियो। बारह कल्प में कथा का वर्णन आया है। एक बार देवताओं ने इंद्रादि ने गोमाता सुरभि माता का अपमान कर दिया तो दूध को अभाव भयो हाहाकार छायो। तीनों लोकों में दूध का अभाव हो गया तो हाहाकार होने लगे। देवता कमजोर हो गए, असुरों ने उनको जीत लिया। ब्रह्मा जी बताई तब इंद्र को गोराधन कियो। सुरभि प्रसन्न होके दूध प्रगटायो है। तब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने उपाय बताया। ब्रह्मा जी से उपाय को प्राप्त करके और सबने इंद्र ने गो आराधन किया। अब गो आराधन होने से गौ माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने दूध प्रकट कर दिया। सुखी सब लोग दुग्ध दधिगत पूर्ण भये। हृष्ट पुष्ट प्रजा सब देव भाग पायो है। उससे सभी प्रसन्न हो गए। सारा संसार दूध दही घी से भर गया। दूध दही घृतपान करने से सब हृष्ट पुष्ट हो गए। नमो महादेव से पूजय सुरभि मंत्र जपे। ओम श्री सुरभ्य नमः वेदन बतायो है। और गो मंत्र का मंत्र को बताया और गाय की स्तुति की। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः गवाम्बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बके। नमो राधाप्रियायै च पद्मांसायै नमो नमः। नमः कृष्णप्रियायै च गवां मात्रे नमो नमः। कल्पवृक्षस्वरूपायै सर्वेषां सततं परे क्षीरदायै धनदायै बुद्धिदायै नमो नमः। शुभायै च सुभद्रायै गोप्रदायै नमो नमः। यशोदायै कीर्तिदायै धर्मदायै नमो नमः। सुरभि देवी जो जगदम्बा हैं और सारी गायें जिनसे प्रकट हुई हैं उनको नमस्कार करते हैं। वह सुरभि माता राधा की प्रिया है और लक्ष्मी जी के अंश से प्रकट हैं। श्री कृष्ण की प्रिया है, सबकी माता है। कल्प वृक्ष के समान सबकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है और दूध देने वाली, धन देने वाली, सद्बुद्धि को देने वाली, शुभ देने वाली, कल्याण को देने वाली, यश को देने वाली, कीर्ति को देने वाली, धर्म को देने वाली, सब कुछ को देने वाली गायें हैं। ऐसी गो माता को हम नमस्कार करते हैं। पुनः दूसरी कथा तैत्रीय ब्राह्मण में यह कथा है। वेद के तैत्रीय ब्राह्मण में यह कथा है। कथा ऐसी है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करने का विचार किया तो कैसे सृष्टि करें। भगवान ने आज्ञा दी सृष्टि करो तो जल में से दो शब्द निकले ता और पा। तप 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 तब ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तपस्या करके ब्रह्मा जी की तपस्या से सर्वप्रथम एक तेज प्रकट हुआ, प्रकाश का पुंज प्रकट हुआ और वह तेज इकट्ठा हो करके गाय के रूप में हो गया। गाय के स्वरूप में वह तेज हो गया। ब्रह्मा जी ने उस तेज को नमस्कार किया और सृष्टि के उत्पन्न करने वाला, पालन पोषण करने वाला माना। उस समय कल्याणी पावनी गौ माता प्रकट हो गई, भद्रा उसका यश छा गया। यह गाय का प्रकट होने का पहला तैत्तिरीय उपनिषद में ब्राह्मण में कथा आई है।
सृष्टि हेतु विधि तप किया प्रकट तेज गऊ रूप भयो। सृष्टि हेतु विधि तप कियो प्रगट तेज गऊ रूप भयो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या की तो गाय का तेज प्रकट हो गया। करो सृष्टि हरि आज्ञा पा ब्रह्मा तप कीनो दिव्य तेज भाव प्रगट समेत गो रूप सुलीनो। विष्णु भगवान भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के पहले तप किया, दिव्य तेज से गाय का स्वरूप प्रकट हो गया। सकल सृष्टि पालक पोषक सब ने सुख पायो, कल्याणी पावनी मात्र भद्दा यश छायो। कल्याणी पावनी और ऐसे भद्रा आदि उनके नाम हुए। तैत्रीय श्रुति कथा श्रुति जगत मात गौ नाम भयो। तैत्रीय संहिता में यह कथा है, जगत माता प्रकट हुई, उनका गौ नाम हुआ। सृष्टि हेत विधि तप कियो प्रकट तेज गौ रूप भयो। यह तैत्रीय संहिता में कथा आई है। अब तैत्रीय ब्राह्मण में भी यह कथा आई है, उसमें कथा आई है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो पहले अचेतन पदार्थों की सृष्टि की जिनमें प्राण नहीं, ऐसे अचेतन पदार्थों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, पर उस सृष्टि से वो संतुष्ट नहीं हुए। वह चाहते थे कि चेतन सृष्टि प्रकट हो, तब उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में वायु देवता ने यज्ञ में शरीर बनाया अपने तेज से और सूर्य भगवान ने उसमें दृष्टि दी और अग्निदेव ने प्राणों की प्रतिष्ठा की। इस प्रकार से अब तीनों देवता लड़ने लगे। तीनों देवताओं ने प्रकट किया तो गाय बन गई, पर अब सब कहने लगे कि हाय हमारा अधिकार हमारा अधिकार हमारा अधिकार। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने विचार करके कहा कि देखो शरीर देने वाला और दृष्टि देने वाला मुख्य नहीं है, चेतना देने वाला प्राणों को देने वाला ही मुख्य है। प्राणों के निकल जाने पर शरीर का क्या रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता है। तो इसलिए जो प्राणों का देने वाला वही मुख्य है। तब यज्ञ में अग्नि को प्रमुख समझा गया, अग्नि को ब्राह्मण की संज्ञा हुई और भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई। तैत्तरीय ब्राह्मण शुचि गो अवतार कथा कही। तैत्तरीय ब्राह्मण शुचि गो अवतार कथा कही। करी अचेतन सृष्टि प्राण हित यज्ञ रचायो, यज्ञ कुंड गो प्रगट सवन अधिकार जतायो। यज्ञ में यज्ञ के प्रकट होने पर सब अपना अधिकार बताने लगे। वायु कहो तन दियो, वायु देवता ने कहा कि शरीर का निर्माण तो हमने किया है। वायु कहो तन दियो प्राण में अग्नि बतायो, अग्नि देवता ने प्राणों को स्थापन किया। सूर्य कही मैं दृष्टि मुख्य विधि प्राण सुनायो, सूर्य ने कहा कि हमने दृष्टि दी। ब्रह्मा जी के पास तीनों लड़ते हुए पहुंच गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्राण मुख्य है तो प्राण अग्नि से प्रकट जान गाय अग्नि को विधि दई, इसलिए गाय अग्नि को दे दी गई। तैत्रीय ब्राह्मण शुचि गो अवतार कथा कही। तैत्रीय ब्राह्मण में इस प्रकार की कथा है। तीसरी कथा सुरभि के प्राकट्य की है।
ब्रह्मा जी ने अमृत पान किया, छक्के अमृत पिया, इतना छक्के अमृत पिया कि उनको डकार आई। तो डकार की जो सुगंध आई, सुरभि सुगंध आई, उसी अमृत के सार से वो माता प्रकट हो गई और उनका नाम सुरभि हो गया। तो गाय प्रकट हो गई संबंध में कहा है कि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सृष्टि करने की आज्ञा दी, तो उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज सृष्टि तो हम कर देंगे, लेकिन उन लोगों के पालन पोषण के लिए कोई व्यवस्था तो बताओ। तब उन्होंने प्रजापति ने उस गाय को ही सभी जीवों के पालन के लिए, और कहा स्वर्ग में तो अमृत है, देवता अमृत पी के रहते हैं, धरती के लोग कैसे अमृत, उनको कैसे सुलभ होगा, तो कहा गाय माता का दूध ही अमृत होगा। तो कियो प्रजापति सुधा पान, सुरभि सुरभि से सुरभि वही। ब्रह्मा ने अमृत पान किया और उससे जो सुगंध डकार आई, इसी से सुरभि माता प्रकट हो गई। कियो प्रजापति सुधा पान, सुरभि से सुरभि वही। ब्रह्मा दक्ष प्रजापति सृष्ट आज्ञा दीने, प्रजावृत्ति की चिंता प्रथम प्रजापति की ने। देवन अमृत सुलभ मनुज कैसे सुख पावे, कियो सुधा को पान सुरभि प्रगति सुरभि प्रगटावे। लोकमात सुरभि प्रगट सकल सृष्टि पालक भई, कियो प्रजापति सुधा पान सुरभि से सुरभि भई। ब्रह्मा जी की डकार से, अमृत पान की डकार से सुरभि का अवतरण हुआ और वही सुरभि प्रजापति से को ब्रह्मा जी ने देकर के कहा कि सारी सृष्टि के जीवों को अमृत सुलभ कराने वाली यही गो माता होंगी। पितामह ब्रह्मा दक्ष प्रजापति आज्ञा दई, करो विस्तार सृष्टि आज्ञा सिरधारी है। पहले आजीवन आधार जैसे देव सुधा, सोम हेतु यज्ञ यज्ञ हेतु गो विचारी है। करो पान अमृत को भय तृप्त सुरभि आई, जग को आधार सुरभि तनया बनाई है। सुरभि से गाय भई दूध दही घृतमयी, भई लोक माता यज्ञ सौंझ प्रगटाई है। ब्रह्मा जी की डकार से सुरभि हुई और उसी से यज्ञ की सामग्री प्रकट हुई, दूध दही घृत आदि हुआ, सारी सृष्टि के पालक का यह अमृत प्रकट हुआ। ऋषिन को यज्ञमयी, यज्ञ में ऋषियों को यज्ञ के लिए घृत आदि देने वाली, ऋषिन को यज्ञमयी देवन को पुष्टि भई, मानव को दूध दधि घृत सुख दाता है। ऋषियों को यज्ञ का साधन बन गई, यज्ञ घृत आदि से होता है, उससे देवताओं की पुष्टि होती है और दूध दही घी खा करके उससे मनुष्य की पुष्टि होती है। पूत बैल अन्नदाता, श्राद्ध दान लोकदाता, और गाय अमृत देने वाली है, और बछड़ा जो है वो बैल बन करके अन्न पैदा करता है। पूत बैल अन्नदाता, श्राद्ध दान लोकदाता, मूत्र पुरुष आरोग्य को प्रदाता है। किसी भी जीव का मल और मूत्र पवित्र नहीं होता, पर गाय के मल मूत्र की इतनी महिमा है कि आज हम उसकी महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। गाय का गोमूत्र दूध से भी महंगा बिकने वाली चीज है, और ऐसा ही गोमय का भी महत्व है। सब देव बास, बास दियो ब्रह्म भोज लाभ, दान करे नरक यम यातना को त्रास है। सब देव बास, गाय में सभी देवता निवास करते हैं। एक बड़ी विचित्र कथा आई है
एक व्यक्ति पितृपक्ष में दुखी था, पितृपक्ष में आया कि जिस दिन अपने पिताजी का दिन होता है उस दिन जो ब्राह्मण भोजन नहीं कराता है तो उसको बड़ा भारी नरक का बड़ा भारी पाप बताया गया है। एक इतना गरीब ब्राह्मण था, आदमी था, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, घसियारा था, घास बेच करके खोद करके बेचता था, खुरपी और खुरिया थी, दुखी रो रहा था। तो एक ब्राह्मण ने पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? उसने कहा, आज हमारे पिताजी का श्राद्ध का दिन है, पर हमारे पास तो इतना कुछ नहीं है, घास बेचने वाले हैं, घास में इतना पैदा नहीं होता है कि ब्राह्मण का भोजन हो जाए किसी का, तो हम क्या करें, इसी से दुखी हैं, हम इतने गरीब हैं। तो उन्होंने कहा, दुख मत करो, आज का जितना घास तुम छीलो एक गाय को खिला देना, बस उसी से ब्राह्मणों के भोजन का पुण्य तुम्हें प्रकट। तो पूत बैल अन्नदाता, श्राद्ध दान लोकदाता, मूत्र और पुरुष आरोग्य को प्रदाता है, सब देव बास घास दिए ब्रह्म भोज लाभ, दान करें नरक यम यातना की त्राता है। गोदान के समान दूसरा दान नहीं है, गोदान करने का ऐसा नियम था, भाई समय के क्रम में सब बदल गया, कुछ कहने सुनने में अच्छा नहीं लगता, क्या कहें, आ जाती बात तो स्मरण आ जाता है। पुराने जमाने में लोग बड़े होश हवास में मरते थे, वृद्धावस्था होती थी, 100 के करीब आयु हो जाती थी, शरीर वृद्ध हो गया तो तुलसी के पास में गोबर से लिपवाते थे, कंबल बिछवाते थे, भगवान नारायण भगवान शालिग्राम जी का सहस्रार्चन करते थे, तुलसी जी की पूजा करते थे, गीता गंगा गायत्री को उपासना करते थे, अमृत पान करते थे, गंगा जल पान करते थे, गीता का श्रवण करते थे और ब्राह्मण को गाय का दान करते थे। ये मरने की विधि थी, अब ना मरने की विधि रह गई और ना जन्म लेने की विधि रह गई। अब जन्म तो कम होता है, अब तो वह प्रकट कृपाला होता है, पेट फाड़ फूड़ करके जन्म होता है, बच्चों का नाम एक बच्चे का नाम एक समय था हमारे मोहनगढ़ में, तो अस्पताल में लड़के बच्चे नहीं होते थे, गरीब होते थे, इतनी होशियार दाएँ होती थी देहात की कि सब हो जाता था। तो अस्पताल में बालक हुआ तो उसका नाम अस्पताल ही रखा गया, उसको अस्पताल ही कहते थे, तो उसका अस्पताल क्यों, अस्पताल ही क्यों कहलाता था, इसका जन्म अस्पताल में हो। अब तो सभी अस्पताल में होते हैं और पुत्र उत्पन्न समय की जो पीड़ा होती है वो पीड़ा तो स्वाभाविक होती है। तो वो चिल्लाना शुरू किया कि डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा अरे बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है, और भाई प्रकट कृपाला पेट फाड़ के रख दिया, बच्चे को निकाल दिया, जन्म होते ही नहीं है। अब पंडित जी न जाने किस लग्न में क्या बनाए, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जन्म तो हुआ नहीं, प्रकट भय ये तो। अब प्रकट भय तो प्रकट होते ही बोतल चढ़ा दी गई और फिर जीवन भर डॉक्टर की गोद में ही रहे, अस्पताल में ही रहे, बोतल को फिर छोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले लोग बोतल लिए दिखाई देते थे तो करते थे, अरे ये बोतल लिए है, बोतल माना शराब माना जाता था, अब तो बोतल ही बोतल है। एक समय कलकत्ते भैया तुम तो पानी से पतरे हो रहे, पानी बेच रहे, पानी से पतरे हो रहे, पानी बेचा नहीं जाता था, अब तो पानी बेचने का बड़ा भारी उद्योग है, उससे पानी बेच करके लाभ उत्पन्न करते हैं, 15 से 20 रुपए के बीच में बोतल मिलती है पानी की और सभी प्रेम से पीते हैं। वैसे तो देखें कि कीके हाथ को आए, कहाँ से ले आए, कैसे के मजो के नहीं मजो, लेकिन वो बोतल में कोई नहीं पूछा, फटाफट पिए चले जा। 6 महीना पुरानी है कि कितनी पुरानी, जो भी नहीं देखा वो तो
और फटाफट 15 से 20 रुपया जितने में देते हैं और लेके पियते हैं। और मरने की बात तो अगर बहुत ज़्यादा गरीब है तो नहीं कह सकते हैं, तो भले ही मर जाए घरे, नहीं तो भगवान ने 2-4 पैसा दिए हैं तो अस्पताल ही में मरत। हमारे तो महाराज जी ने अस्पताल में खींच करके कहा कि क्या ठीक से मरने भी नहीं दोगे, मुझको यहाँ से ले चलो, ये हमारा रोग नहीं है भोग है, ऐसा कहके महाराज जी आए। हमारे पिताजी ने भी मरते समय तबीयत बिगड़ी एकादशी को, कहा हम ठंडे पानी से नहाएंगे, गर्म से नहीं नहाएंगे, आज एकादशी है। इसके बाद उनको हुआ तो उन्होंने यही होश आवास में कहा कि अस्पताल में हमारे प्राण न छूटे, घर ले जाना। तो लोग घर में मरते थे, विधि पूर्वक मरते थे, महात्मा लोग ऐसे ही मरते थे होश आवास में। मरने की बात भागवत में लिखी है, 1 अध्याय में लिखी है कैसे मरे, हंसते मुस्कराते मरते थे। और ऐसे मरने वालों पर गाजे बाजे से जाकर के अंतिम संस्कार होता था। अब तो अस्पताल में मरते हैं, बोतल ऊपर टंगी हुई होती है और बोतलों के उसमें तो सुनते हैं कि अंग्रेजी दवा में सब में वो मिली रहती है जिसका ज़्यादा परहेज किया जाता है। तो बोतल ऊपर होती है और मरने का टैक्स जमा करना पड़ता है, बिना टैक्स के नहीं मर सकते हो, पहले टैक्स जमा करो मरने का पूरा पेमेंट करके जाओ। एक जगह तो हमने ऐसा देखा, अस्पताल की बात कह रहे हैं, मताई को लेके आओ एक लड़का, पूरी मताई को इतने 10-15 हजार रुपये जो ले आओ तो उनने जांचन में पूरे छोड़ा ले। अभी कह मैं अभी तो इलाज तुम्हारा शुरू नहीं हुआ, जांच हुई है। अब वो कहे हमारा तुम्हारा सबरे पैसा खत्म हो गए, हम तो कर्ज करके ले आए थे, अब तो घर जावे के लाने तक किराओ नहीं है, खावे नहीं है, अब हम का करें, रो रो बैठो। उनके संग जो लोहा ले आए थे हमें मिल गए, वे एक सेठ जी खिचड़ी बांटते थे, वे खिचड़ी खा रहे थे। हमने कही कि आपके जैसे आए का कर तैसे लगे जैसे आप डॉक्टर हो। बोले डॉक्टर मास्टर नहीं है, हम तो आला डाल लो गरे में और छोटी सी एक डिग्री कर ली, को क्वाऊ थे वह इंजेक्शन लगाओ सीख गए तो देहात में अपनो जो झोला लटका कर निकल जा तो कछु ऐसो कमा ले, ज़्यादा बेजार हो सो इतने ले आ लो वाले आओ तो अस्पताल में झांसी लो वाले आओ तो 1 मरीज के हमको 1000 मिलते हैं। 1 मरीज लाने का हमको 1000 रुपया दिया जाता है, तो महीना में हम 5-6 मरीज ले आते हैं, 5-6 हजार ऐसे हो जाता है, कुछ दवा दारू में ऐसे 10-15 हजार हम कमा लेते हैं। हमने कहा अब जा दुकैया को तो कराऊ भाड़ो नहीं है, बोले अब तो बहुत गरीब है आ गई, तो गरीब अमीर से मतलब नहीं है, डॉक्टर तो डॉक्टर है, उनने डॉक्टर ही परमार्थ के लाने नोन पड़ी कि तुम अच्छे हो जाओ, तुम अच्छे ना हो जाओ तुम उनकी सेवा में सदा उनकी सेवा करते रहो, यही अभिलाषा है। पुराने जमाने की पुरानी बात जाने, पुराने जमाने में भी तो यमराज सहोदर, यमराज का सहोदर वैद्य को कहा जाता था। कुछ वैद्य धन के लोभ में रोग को बढ़ा देते थे, पर पुराने जमाने की बात दूसरी जाने, पर हम तो अपने से जानते अपनी बात कह रहे हैं कि आप एक बार उन्हें सौंप दो अपने को, फिर तो वे ऐसो बसेलत कहीं के बाद में भगवान मालिक है, जियत जागत घरे पहुंच जाओ या जीवन भर उन्हीं की गोद में रहना पड़ता है, क्योंकि साइड इफेक्ट हर दवा में, अंग्रेजी दवा में साइड इफेक्ट जरूर होता है, तो साइड इफेक्ट होता है। तो अब ये इसमें ये बात आई है कि लोग गोदान करके मरते थे, गोदान करके प्राण त्यागते थे। तो याद आ गई हमको
अब मरने का अलग तरीका है। हमारे यहाँ एक ईश्वरी की फाग है, रैयत बिन भारे की बकरी, रैयत बिन भारे की, ये मकान ये शरीर बिना भाड़े का रखने की बकरी है। बकरी माने मकान है, बुंदेली में बकरी कहते हैं। रैयत बिन भाड़े की बकरी, रैयत बिन भारे की, अरे दई पिया प्यारे की बकरी, रैयत बिन भारे की, बिना भाड़े की भगवान की दी उसमें हम रहते हैं। किवार किरऊ किवरिया एकऊ नैया, किवार किवरिया एकऊ नैया, तौ पे दस द्वारे की बकरी, रैयत बिन भारे की, रैयत बिन भारे की बकरी, रैयत बिन भारे की। ईश्वर कहत न कारे जिस दिन, हमें कौन वारे की बकरी, रैयत बिन भारे की। इस मनुष्य शरीर से यदि हमने कुछ नहीं ले लिया, इस मनुष्य शरीर को पाके यदि हमने अपना लोक परलोक नहीं सुधार लिया, अरे प्रमोशन ना हो तो डिमोशन तो ना होवे, आदमी के आदमी तो कम से कम बन जाओ, लेकिन कौआ कुत्ता गिद्ध तो ना बनो भैया। ऐसा मनुष्य के शरीर को पाके कुछ कर लो, तो ऐसा कहा है। तो समझदार लोग तो क्या है कि किराए का मकान है और किराए मालिक आ गया, कहा भैया ये मकान खाली कर दो हमारा, तो वो कहता है ठीक है महाराज, हमें 10-15 दिन को टाइम दे दो, हम दूसरा मकान ले लें और तुम्हारा खाली करें दे। एक तरीका तो ये है, दोनों हाव भाव में प्रेम में वो कुछ किराया छोड़ देता है, हंसते मिलते हुए आपके मकान में रहे, बड़े सुख से रहे, प्रेम से। एक बेलोग हैं कि रहते रहते कब्जा जमा जात मकान पे, वाह अब तो हवा हुआ है, अब वो खाली नहीं करें चाहो, अब खाली नहीं करें चाहो तो वो खाली कैसे हो। तो झांसी में सुनी हमने तो जो थे सत्य बात, एक चौबे जी ने कराओ तो सुबह बताऊते, वहाँ के मेहतर लोग जो है ये धंधा करते हैं, कोई मकान पर कब्जा कर जाए तो कानूनन तो जीत नहीं पाते हैं, उन मेहतरों को दिया जाता है 2-3 लाख रुपया, तो वो कुछ पुलिस को देते हैं और बाकी अपने से खाते हैं और ठेला ले करके खड़ा कर देते हैं, घर के आदमियों को सामान को उठा उठा करके ट्रक में पटकते हैं, फोन करने पर पुलिस आती नहीं है और वे उठा कर ले जा तो मकान खाली करके तुम्हें सौंप दे कि तुम डेरा जमा लो, कब्जा कर लो, पैसा लगता है। इसी तरह मरने वाले भी हैं जो अच्छी तरह से नहीं मरना चाहते हैं, तो यमराज के दूत मकान खाली करने के लिए आते हैं, तो वे उठा उठा के ऐसे ट्रक में पटकत और हाहाकार करके ऐसे जबरदस्ती मकान तो खाली करन नहीं करने। तो मरने के भी तरीका है, तो गोदान के बिना जीवन में व्यक्ति गोदान जरूर करते थे, अब गोदान विवाह में करते थे, गोदान यज्ञोपवीत के समय करते थे, बहुत गोदान की प्रथा थी, अब तो गोदान की बात ही खत्म हो गई। 125 की गैया या 125 की गैया, बस इतने की गैया दही जात, इससे अच्छा है कि गौशाला में कुछ पैसा दे दो। तो मरना भी नहीं आया, जीना भी नहीं आया, सबका नया पैसन है, नए तरह का जन्म और नए तरह का मरना और नए तरह का जीवन। पूरे जीवन में इतनी दवाएं, इतने टोनक, 2-4 रोटी खाने खोच भर इतनी गोली खाने, और फ्री के बाद में जब फैमिली डॉक्टर रोज आकर के फैमिली डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर की गोद में ही जीवित रहते हैं, और नहीं तो लठा पठा से जी रहे, जिंदगी भर कभो कछु होता ही नहीं आ। एक पंडित जी हमसे कह रहे थे, दिछारिया जी 4 बजे उठ करके ठंडे पानी से स्नान करते, हर मौसम में 4 बजे तो स्नान करके त्रिकाल संध्या करते हैं, तो कहते थे कि हमें पता नहीं आ कि कैसा जुकाम होत, कैसी सर्दी होत, कैसी ताप के जाय होत, हमें तो कभो कछु होता ही नहीं।
बेललाट हटे कि हमें कहूँ कुछ होता ही नहीं है। तो पुराने जमाने से रहने वाले लोग सारे रोगों का कारण परिश्रम न करना, बढ़िया बढ़िया भोजन करने से दीर्घायु नहीं होती है, शारीरिक श्रम और पवित्र भोजन गव्य पदार्थ गाय के पदार्थों का भोजन खाने से दीर्घायु घृतम भई आयु। यजुर्वेद में लिखा है कि घी आयु होती है, घी खाने से 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है, लेकिन अब घी खावे पचावे की ताकत नहीं है। डॉक्टर समय पहले जा करके के घी छोड़ दो। तो सब देव बास घास दियो ब्रह्म बोध लाभ, दान करें नरक यम यातना की त्राता है, बूढ़े और बालक की पोषक खाद भूम पोषक, रोग दोष नाशे लीपे लक्ष्मी प्रदाता है। अब गाय पालन से कितने लाभ होते हैं इस लाइन में सब लिख दिए हैं। कोई पर प्रवचन करें तो दिन भर का प्रवचन, 2 घंटा का प्रवचन है। बूढ़े और बालक इनको गोदूध जरूर पुष्टि करके जरूर पीना चाहिए। खाद भूमि पोषक, गाय का खाद उससे उत्पन्न अन्न ही सच्चा पुष्टिकारक होता है। और रोग दोष जितने नष्ट करने वाले हैं, गाय से लिपे हुए भूमि पर भजन करने पर उसका अलग महत्व होता है। शास्त्र की लिखी बात बता रहे हैं, पुराने जमाने में पंडित लोग कहीं ऐसी जगह जाते थे कि जिसे गोबर ही उपलब्ध नहीं था, तो गोबर की कंडी लिए रहते थे, आसन बिछाने के पहले थोड़ा सा गोबर उसमें नीचे ऐसा गिरा लेते थे और फिर बैठ के भजन करते थे। तो गोमयोध के उपलिप्त वेद में लिखा है, गोबर से जल से लीप के पवित्र भूमि पर भजन करें, तो उसका ऐसा समाधान करते थे कि कंडी साथ में रखते, कंडी का कुछ ऐसा डाल लिया और गोमय डाल करके और बैठ करके जाते। घर घर में उरेन डाला जालने की सब जगह प्रथा है। लक्ष्मी जी के शुभागमन के लिए गोमय में लक्ष्मी का निवास है, इसलिए गोबर का उरेन डाला जाता है। अब इसमें बहुत से श्लोक हैं। भीष्म पितामह ने अनुशासन पर्व में महाभारत में गोलोक माता सुरभि की प्रार्थना की है, वो कथा की है। भीष्म वाचो वृद्धानां ब्रूताम तातो श्रुतं वे यत् पुरातनं वक्षाम तदशेषेणो रोहिण्यो निर्मिता यथा। रोहिणी गाय का नाम है। प्रजा सृजेति या चादिष्टा पूर्वं दक्षा स्वयं भुवा असजत वृत्ति मेकाग्रे प्रजानाम हित कामया। प्रजापति ने, प्रजापति को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि आप सृष्टि करो, तो उन्होंने कहा कि महाराज सृष्टि तो कर देंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था तो करें। असजत वृत्ति में एकाग्र उनको वृत्ति प्रजानाम हित कामया यथा यमृत मास्य वर्तनते दिव वर्तयंती दिव कुशा। स्वर्ग में तो देवताओं को अमृत प्राप्त है, धरती वालों को अमृत कहाँ से मिलेगा। तथा वृत्तम समाश्रित वर्तयंती प्रजा हो, उनको अमृत पान कैसे हो, उनके लिए अमृत आप बनाइए। अचरे व्यच भूते व्यच चरा श्रेष्ठा सदा नरा। अचर जीवों से चर जीव मनुष्य श्रेष्ठ है, ब्राह्मणा चताया श्रेष्ठा ते सुयज्ञा प्रतिष्ठता। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं कि ब्राह्मण में वेद है, वेदों में यज्ञ है। यज्ञ रवा पिते सोम सतगोसु प्रतिष्ठता। यज्ञ से जो अमृत सोमरस प्राप्त होता है वह सोम गायों में रहता है। ततो देवा प्रबोधते पूर्वम प्रतिष्ठता प्रजा। गायों के दूध से जो घृत होता है उससे हवन करने से देवता प्रसन्न होते हैं, और दूध दही घृत आदि से प्रजा भी पुष्ट होती है। प्रजता प्रजातान देव भूतानि प्रक्रोशन प्राक्रोशन वृत्ति कांक्षया।
गुटिदम चरणोपद्यंतो त्रसिता पितृमातृवतो। माता पिता के समान तृप्ति देने वाली तब गौ माता को तदीदम मनसा गत्वा प्रजा सर्वार्थ महात्मना प्रजापतिस्तु भगवान अमृतम प्राप्त तदा। प्रजापति जी ने थक करके अमृत का पान किया। सगतस्तस्य तृप्तिम तु गंधम सुरोही मुद्गिरन। अधिक अमृत पीने से उनको डगार आई। उद्गिरन डकार के द्वारा तदर्शनाद्गार संवृत्ता सुरभि मुखजाम सुताम। उनके मुख से सुरभि गाय उत्पन्न हो गई। सा सृजत सौरभिर्यस्तु सुरभिर्लोकमातरः सवर्णवर्णा कपिला प्रजानाम वृति धेनवः। एक कथा और गो माता के प्राकट्य की सुना दे। क्षीरो दधि मंथन प्रगटो पांच गाय ऋषि गण लही। क्षीर समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न प्रकट हुए, उनमें से एक रत्न गोमाता भी थी। क्षीरो दधि मंथन प्रगट पांच गाय ऋषि गण लही। पांच गाय प्रकट हुए, उनको ऋषियों को दिया गया। सुरभि सुशीला बहुला और सुभद्रा नंद्रा, वो पांच गायों के नाम हैं। सुरभि सुशीला बहुला सुभद्रा और नंदा। सुरभि सुशीला बहुला और सुभद्रा नंदा यज्ञ हेतु भई प्रगट लोकमाता सुखकंदा। लोकमाता यज्ञ के लिए प्रकट हुई और पांच ऋषियों को दी गई। किन किन को कौन दी गई? भरद्वाज को सुरभि दी गई, जमदग्नि को सुशीला दी गई, वशिष्ठ को बहुला दी गई, असित को सुभद्रा दी गई, गौतम को नंदा दी गई। भरद्वाज जमदग्नि वशिष्ठ असित गौतम ऋषि प्रकृति महिमा अमित कथा अगणित पुराण लिखी। इनकी अमित महिमा प्रकट हुई, पुराणों में इनकी कथा लिखी है। ब्राह्मण गोकुल एक है उभय कृपा सुख शांति लही। ब्राह्मण और गायों का एक ही कुल है, क्योंकि ब्राह्मण में वेद प्रतिष्ठित है और गाय में यज्ञ की सामग्री प्रतिष्ठित है। इसकी ब्राह्मण और गाय दोनों में यज्ञ प्रतिष्ठित है, दोनों का एक गोत्र है। ब्राह्मण गोकुल एक है उभय कृपा सुख शांति लही। क्षीरो दधि मंथन प्रकट पांच गाय ऋषि गिन लही। पंच गावा समुत्पन्ना मध्य मारे महो जदहु तासाम मध्ये तुया नंदा तस्य देव्ये नमो नमः। उनमें सब प्रकट नंदा प्रकट हुई। क्षीरो दतो सम्भूता या पुरा मृत मंथने पंच गावा सुवाह पार्थो पंच लोक मात्रा। ये पांच लोक मात्रा कही गई संसार की, ये सबकी माताएं हैं। नंदा सुभद्रा सुरभि सुशीला बहुला इति एता लोकोपकारायो देवानां तर्पणाय च। जमदग्निं भरद्वाजो वसिष्ठा सिद्धगौतमा जगृहो कामदा पंचो गावो दत्ता सुरैः तथा। इन पांच गायों को, इन पांच ऋषियों को स्वागत पूर्वक दिया गया। इस प्रकार से और गो माता के अवतार की कथा आप सबको श्रवण कराई गई। अब गो माता के अवतार का एक गीत गा लें, अगर मिल जाएगा इसमें तो।
देख रहे हैं हम। प्रगटीसुरभि सुखदैया बिरज में बाजे बधैया, प्रगटीसुरभि सुखदैया बिरज में बाजे बधैया। हरि ही की करुणा प्रगट भई, हरि ही की करुणा प्रगट भई गऊ मिसो, हरि ही की करुणा, हरि ही की करुणा प्रगट भई गऊ मिसो। सचित आनंद रूप गैया विरज में बाजे बधैया, प्रगति सुरभि सुख दैया विरज में बाजे बधैया। रास विहारी श्रम तन छायो, निज तन से सुर भी प्रगटायो, साथ मधोरथ बछड़ा जायो, श्री दामा भयो दूध दुहैया विरज में बाजे बधैया। प्रगति सुरभि सुख दैया विरज में बाजे बधैया। श्री राज बिहारी समत हो गए, उनके शरीर से गैया सुर भी प्रकट भई, साथ मनोरथ बछड़ा हुआ, श्री दामा ने दूध दुहा। हरि आज्ञा विधि सृष्टि रचाई, योग क्षेम की चिंता छाई, यज्ञ हेत ब्राह्मण ओ गैया, यज्ञ हेत ब्राह्मण ओ गैया विरज में बाजे बधैया। तीसरा प्रकार, अमृत पान प्रजापति कीनो, प्रजा हेत अमृत मन दीनो, सुरभि से प्रकट भई गैया विरज में बाजे बधैया। सृष्टि रची पर तोष न पायो, ब्रह्मा ने तब यज्ञ रचायो, यज्ञ से प्रकट भई गैया विरज में बाजे बधैया। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आई, गो नवरात्रि जगत सुखदाई, गोवर्धन पूजा करवाई, वृंदावन में धूम मचाई, गोपी गाय सुखी गैया विरज में बाजे बधैया। राम स्वरूप दास बधाई गाई, गो भक्तन दत्त लिखवाई, गाय भक्ति जन जन मन छाई, नंदगांव बाजे बधैया विरज में बाजे बधैया। प्रगति सुरभ सुख दैया विरज में बाजे बधैया, प्रगति सुरभि सुख दैया विरज में बाजे बधैया।
वात्सल्य गुण सागर, हाँ वात्सल्य गुण सागर गैया, वात्सल्य गुण सागर जी गैया, वात्सल्य गुण सागर, वात्सल्य गुण सागर गैया, वात्सल्य गुण सागर, जिससे वात्सल्य गुण लेकर गुण में नागर दूध दही माखन की, दूध दही माखन का चार करते नटवर नागर, नागर नटवर कन्हैया विरज में बाजे बधैया, वात्सल्य गुण सागर गैया, वात्सल्य गुण सागर, दूध दही माखन के चोरी करते नटवर नागर गैया, वात्सल्य गुण सागर, ऋषि मुनि जिससे यज्ञ रचाते पंच गब्ब गुण पंडित गाते, दूध दही गति सब जन खाते, वेद पुराण कीर्ति यस गाते, वात्सल्य गुण माताओं को देती जो करुणा कर, गैया वात्सल्य गुण सागर, वात्सल्य गुण सागर गैया, वात्सल्य गुण सागर, प्रेमा भक्ति ज्ञान जो देती, जो शुभ कर्म योग्यता देती, दुख दरिद्र सहज हर लेती, सुख समुद्र संतित सुख देती, गौरी काम धेनु वरदायन प्रगट भई पय सागर, गैया वात्सल्य गुण सागर, सदगुण सुख जितने भी जग में जो देती करुणा कर, गैया वात्सल्य गुण सागर, वात्सल्य गुण सागर गैया, वात्सल्य गुण सागर, जय गो माता जय गोपाल, भक्त बचल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता जय गोपाल, भक्त बचल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता जय गोपाल, भगत बचल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता जय गोपाल, भक्त बचल प्रभु दीन दयाल, बोलो गौ माता की जय, मनोरथ वत्स की जय, बीणी सी पावन परम है देनी फलचार, स्वर्ग नसैनी हरि कथा नरक नरवार नहार, भक्त वत्सल भगवान की जय, गौ माता की जय, जय हो।